नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं गोयल टेक्निकल। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप यूट्यूब पे अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखना है और कौन कौन सा कैमरा यूज़ करना है। आप काफ़ी कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि कौन सा कैमरा लिस्ट लूँ मैं, क्योंकि कैमरे काफ़ी कॉस्टली आते हैं। पहला डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि निकॉन ब्रांड में ले लें या कैनन में लें या फिर सोनी ब्रांड में लें, और कौन सा मॉडल परचेस करें, उसमें क्या क्या खूबी देखें हम परचेस करें पहले। और सॉरी, मैं आपको क्षमा चाहता हूँ, मेरा गला बैठा हुआ है तो इस वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, तबीयत ठीक नहीं, मेरी गला काफ़ी दर्द कर रहा है। तो एनीवे, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ कैमरे बताने वाला हूँ कि आप यूट्यूब में अगर अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप आग बन करके इन वीडियो कैमरों को आप आराम से परचेस कर सकते हैं, तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली इन कैमरे के अंदर। कैमरा खरीदने से पहले आप दो चीज़ों को जरूर ध्यान में रखें। पहली बात तो ये कि आपको कैमरा यूज़ करना आता है कि नहीं आता है। क्या आप बिगिनर हैं? क्या आप पहली बार कैमरा परचेस कर रहे हैं? आपने कभी कैमरे चलाने की ट्रेनिंग ली है? नहीं ली है? अगर आपको बिल्कुल कैमरा यूज़ करना नहीं आता है तो मैं आपको उसके लिए अलग कैमरे बताऊंगा, वो मॉडल अलग बताऊंगा। अगर आपको बिल्कुल भी कैमरा चलाता नहीं आता है तो उस मॉडल को अगर आप कैमरा परचेस कर लेते हैं तो आपको यूट्यूब के वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, या फिर अगर आप कोई भी अपना घर में कुछ भी फंक्शन का वीडियो तैयार करते हैं तो आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी उस कैमरे से वीडियो तैयार करने के लिए। और अगर आप प्रोफेशनली यूज़ करना चाहते हैं कैमरे को, काफ़ी अच्छी प्रोफेशनल वीडियो तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा कैमरा आपको लेना चाहिए जिससे आप आराम से बजट रेंज के अंदर प्रोफेशनल वीडियो तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, यही चर्चा करेंगे कि कैसा कैमरा लेना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसमें दो कैटेगरी में आपको कैमरे बताऊंगा। अगर आपको मैनुअल कैमरा चलाना आता है, अगर आप कैमरे की सेटिंग पूरी जानते हैं, कैमरे को अच्छे से आप एक्सपीरियंस, अगर आप कैमरे का अच्छा है, आप अच्छे से हैंडल करते हो कैमरे को, तो उसके लिए कौन कौन सी कैटेगरी के कैमरे आप ले सकते हो यूट्यूब की वीडियो तैयार करने के लिए। और अगर आपको कैमरा बिल्कुल नहीं आता चलाते, पहली बार कैमरा परचेस कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए कौन सा कैमरा लेना चाहिए, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दोनों चीज़ बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कैमरा बिल्कुल चलाते नहीं आता है और आप बिगिनर हैं तो आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए। तो उसके लिए आप कैनन ब्रांड में आप जाइए। कैनन के अंदर आपको सबसे अच्छी चीज़ ये मिल जाती है कि आपको उसमें डुअल पिक्सल ऑटो फोकस का सपोर्ट मिल जाता है। जैसे कि उसका जो नया मॉडल अभी आया कैनन 200D आप ले सकते हैं, 800D आप ले सकते हैं, ये 80D अगर आपका बजट अच्छा है तो आप 80D भी ले सकते हैं। 80D अगर आप ले लेते हैं तो काफ़ी अच्छा कैमरा है, खैर वो आउट ऑफ रेंज है, काफ़ी महंगा कैमरा है। अगर आप अपना यूट्यूब में कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा पैसा लगाएं उसके अंदर। आप कम बजट में भी अच्छा कैमरा परचेस कर सकते हैं। कैमरे आपको 26-27 हज़ार में भी कैमरे मिल जाएंगे, बाकी वो आपको जो डुअल पिक्सल ऑटो फोकस का जो सपोर्ट मिलता है वो इन बजट में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कैनन के जो 200D और 800D जो इस टाइप के जो मॉडल आ रहे हैं, या 70D आप देख सकते हैं, इस टाइप के मॉडल आ रहे हैं, इसके अंदर आपको डुअल पिक्सल ऑटो फोकस का सपोर्ट मिल जाता है, जिसको आप आराम से ट्राइपॉड पे कैमरे को लगा के आप जिधर भी मूवमेंट करते हैं या जैसा भी ब्लॉगिंग करते हैं, जैसा भी बोलेंगे, तो आपको पूरी तरह से फोकस करके रखता है वो, और ज़्यादा हंटिंग प्रॉब्लम उसके अंदर आपको नहीं मिलेगी। हंटिंग की प्रॉब्लम आएगी, बाकी इतनी ज़्यादा नहीं आएगी जितनी दूसरे कैमरों के अंदर आती है। तो आपको इसमें काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, उसको ऑटो सेट पर रखना है, ऑटोमेटिक जो सेटिंग होती है उस पर आपको डायलर को सेट करके रखना है, और वो ऑटोमेटिक सब चीज़ एडजस्ट कर लेता है। आपको कुछ भी ब्राइटनेस भी सेट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ना फिर कुछ ISO सेट करना है, ना शटर स्पीड सेट करना है। अगर आपको इसका कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप ऑटो पे सेट करके रख दो, आराम से आपका कैमरा खुद हैंडल करेगा, पूरा फोकस हैंडल करेगा, आपको आपके फेस ट्रैकिंग पे ऑटोमेटिक ले लेगा, वो आपका फेस को ट्रैक करता जाएगा, आप जिधर बोलते जाएंगे जिधर फेस को ट्रैक करेंगे ऑटोमेटिक वो ट्रैकिंग करता रहेगा। तो आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी हेडेक नहीं रहेगा, आराम से आप यूज़ कर सकते हो। तो ये दो तीन कैमरे मैंने आपको बता दिया। आप 80D ले सकते हो कैनन का, या फिर 200D ले सकते हैं, या 800D ले सकते हैं। 80D महंगा पड़ेगा, 800D थोड़ा सा कम में पड़ेगा, मान के चलिए 50 से 55 हज़ार में आपको मिल जाएगा 800D। और अच्छे बेस्ट प्राइस के लिए आप amazon.in पे जाके देख सकते हैं। प्राइसिंग में कोई इतनी ज़्यादा ध्यान नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ 50 से 55 हज़ार की रेंज में आपको मिल जाएगा। और 200D भी आप ले सकते हैं, आपको 38-39 हज़ार में मिल जाता है, तो 200D रेंज में भी आ जाता है, 40 हज़ार की रेंज में आ जाता है। और अब इसको इसमें आपको डुअल पिक्सल ऑटो फोकस का जो सपोर्ट मिल जाता है, तो आपको वीडियो शूटिंग करने में आपको किसी तरह की दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आने वाली है, तो आप इसको ले सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर आप बिगिनर हैं, आपको कैमरा बिल्कुल चलाते नहीं आता है, पहली बार कैमरा परचेस कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी जगह पैसा लगाए जिसमें आपको अच्छा कैमरा मिल जाए, तो आप ये दो कैमरे ले सकते हैं, 800D या फिर 200D।
200 DB आप ले लो, काफ़ी अच्छा कैमरा है, फोटो क्वालिटी भी डिसेंट है और वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है उसकी। तो वीडियो अगर आप परचेस वीडियो खास आपकी वीडियो पे आपका काम है, आप यूट्यूब पे अगर आप कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब का काम करना चालू करें, तो आप 200D को ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर, काफ़ी अच्छा कैमरा है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको कैमरे का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आपने ट्रेनिंग ले रखी है, आप कैमरे को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, आप निकॉन के कैमरे यूज़ कर सकते हैं। निकॉन के कैमरे में आपको थोड़ा सा ये रहेगा कि आपको कम बजट में मिल जाएंगे, और अगर आप जैसे सेकंड परचेस करना चाहते हैं या दिल्ली के मार्केट के आपने काफ़ी वीडियो देखे होंगे, दिल्ली से भी आप सेकंड कैमरा परचेस कर सकते हैं, तो वो काफ़ी कम रेंज में आपको कैमरा मिल जाएगा। वैसे बाकी उसमें आपको डुअल पिक्सल आफ्टर फोकस का सपोर्ट नहीं मिलता है, हाँ, पर उसके अंदर अभी नया कैमरा जो निकॉन ने जो नया लेंस निकाला AFP लेंस, वो काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा फोकस करता है। बाकी उसमें भी आपको हंटिंग की प्रॉब्लम मिल जाएगी, आप जब भी मूव करोगे आपको बैकग्राउंड हंट करेगा वो, तो उसमें मज़ा नहीं आता है, प्रोफेशनल लुक नहीं आता है वीडियो के अंदर, तो उसके लिए आपको काफ़ी हद तक मैनुअल सेटिंग ही करना पड़ेगी। आप अगर मूवी देखते हैं या फिर कोई अच्छी प्रोफेशनल वीडियो देखते हैं, तो वो लोग सभी मैनुअल सेटिंग पे काम करते हैं, ऑटो फोकस पे कोई भी काम नहीं करता है, 90% लोग मैनुअल सेटिंग पे ही वीडियो शूट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका हाथ इतना सेट होता है कि आराम से वो फोकस बना लेते हैं, अगर दो लोग भी आराम से बात करें तो एक दूसरे को फोकस तुरंत वो कर लेते हैं, इतना हाथ सेट रहता है, इतनी प्रैक्टिस रहती है उनकी, इतना एक्सपीरियंस रहता है उनका। पर अगर आप बिगिनर हैं और अगर आपको छोटा अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो आप निकॉन के कैमरे साइड जा सकते हैं या फिर कैनन के भी कैमरे ले सकते हैं, जिसमें आपको मैनुअल फोकस उसको बना के रखना है और आराम से उसको आप वीडियो शूट कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ होती है, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप मैनुअल फोकस करने के लिए क्या क्या ट्रिक अपना सकते हैं। जैसे सपोज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने इस वीडियो में मैनुअल फोकस कर रखा है, मैं ऑटो फोकस पे इसको वीडियो शूट नहीं कर रहा हूँ, मैंने फोकस पॉइंट उसका सेट कर दिया है और उस फोकस पॉइंट पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कहीं भी मूवमेंट करता हूँ, कहीं भी फेस को ले जाता हूँ, तो वो पूरा फोकस बना कर रख रखा है उसने, ठीक है। तो ये मैनुअल सेटिंग हो गई कि उत्तर एरिया को उसने सेट करके रख दिया है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी सेटिंग होती है, तो आप इसको देख सकते हैं। और अगर आप जैसे निकॉन की मैं इसलिए बात कर रहा था क्योंकि निकॉन में आपको दो चीज़ बेटर मिल जाती है, एक तो अगर आप मैनुअल फोकस कर लेते हैं, तो मैनुअल फोकस में अगर आपका हाथ सेट हो जाता है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, हम निकॉन के कैमरे ले सकते हैं, कम बजट में आपको अच्छे कैमरे मिल जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको मॉडल बता देता हूँ, निकॉन में 3300D आप ले सकते हैं, तो D3300 अगर आप ले लेते हैं तो काफ़ी अच्छा कैमरा है यार, मतलब कुछ भी नहीं बचता उसके अंदर, 24 मेगापिक्सल मिल जाता है, माइक जैक सपोर्ट है उसके अंदर, फ्लैश लाइट है, और ISO रेंज 56600 की आपको उसके अंदर मिल जाती है, और काफ़ी चीज़ उसके अंदर हर तरह की चीज़ दे रखी है निकॉन ने उसके अंदर, तो कम बजट के हिसाब से काफ़ी अच्छा कैमरा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप मैनुअल सेटिंग कर लेते हैं तो निकॉन में 3300D ले सकते हैं, तो आपको सेकेंड पे अगर आप लेते हैं तो 12 से 15 हज़ार में आपको सेकेंड कैमरा मिल जाएगा, आप उसको सर्विस सेंटर पर चेक करा के आराम से ले सकते हैं। काफ़ी कमेंट मेरे पास आए थे कि क्या हम सेकेंड कैमरा ले लें, क्या अच्छा रहेगा सेकेंड कैमरा लेना, आप सेकेंड कैमरा ले सकते हैं, पर उसके पहले आप किसी अच्छे जानकार को कैमरा सेट दिखा दें, वो आप चला के देख लेगा, उसको चला के पता चल जाएगा कि उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। या फिर अगर आपको आपको नहीं मिलता तो आप सर्विस सेंटर पर कैमरे को ले जाके वहाँ चेक करा सकते हैं, तो आपको वो बता देंगे कि आपको कैमरा लेना चाहिए कि लेना चाहिए। आप बिना इनको चेक करें कैमरा नहीं परचेस करें, सेकेंड कैमरा बिल्कुल मत लो, क्योंकि व्यक्ति बेचता कब है, जब उसके अंदर कुछ फॉल्ट होता तो ही बेचता है, ठीक है। तो थोड़े से 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रख लें। अगर आप नया परचेस कर लेते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कम बजट का कैमरा ले सकते हैं और आराम से मैनुअल फोकस पर रख के आप कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा घर में प्रैक्टिस कर लें इसको सेटिंग करने की, वीडियो शूट करने के लिए थोड़ा सा अपना हाथ सेट कर लें, उसको फोकस बनाने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो आप आराम से यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं खुद मैनुअल फोकस पे कर रहा हूँ, मेरे पास भी निकॉन का कैमरा है, तो आप देख सकते हैं कैसी क्लियरिटी आपको मिल रही है और कैसा फोकस बना हुआ है, फेस शार्प दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको इस वीडियो से संबंधित कुछ भी आपके सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट कर सकते हैं, और डिटेल में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, काफ़ी चीज़ें बता दूंगा मैं आपको। देखिए क्या होता है कि अगर आपका कम बजट है तो आप थोड़ा सा मैनुअल फोकस करना सीख लें, तो आप कम बजट के कैमरे ले सकते हैं, 26-27 हज़ार में आपको नए कैमरे मिल जाएंगे, निकॉन और कैनन में मिल जाएगा, कैनन का 1300D भी है, तो उसके अंदर भी आप बस 1300D लेने के लिए मैं आपको इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि उसके अंदर माइक जैक नहीं है। अगर आप कैमरे के इंटरनल माइक से अगर आप वीडियो शूट करोगे या कुछ जैसे कुछ बोलेंगे, यूट्यूब की वीडियो बना रहे सामने बैठ के कुछ बोलेंगे, तो आपको उसमें वाइब्रेंस ज़्यादा मिलेगा,
ठीक है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा आएगी, तो इसका जो इंटरनल कैमरा जो होता है, कैमरे का जो इंटरनल माइक जो होता है वो बेकार साउंड देता है, वो क्या अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएगा, वो आपको मज़ा नहीं आएगा उसके अंदर। कैमरे के अंदर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि आपको माइक पोर्ट, माइक जैक होना बहुत ज़रूरी है। आप उसके अंदर किसी भी तरह का माइक ऐड करके आराम से यूज़ करते हैं। जिस टाइप से देख सकते हैं मैंने कॉलर माइक लगा रखा है, तो एक कॉलर माइक को मैंने डायरेक्ट कैमरे में अटैच कर दिया है, जिससे आराम से वो रिकॉर्डिंग बराबर करते जा रहा है। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि माइक जैक ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो कैमरा लेना ही मत आप, आपको भी बाद में बहुत दिक्कत आएगी, कैमरे बिकेंगे नहीं, बहुत कम रेट में बिकेंगे, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना आप, ठीक है। और बस, और क्योंकि ऑटो फोकस अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पैसा बहुत खर्च करना पड़ेगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ही नहीं कि यूट्यूब में अगर आप करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा पैसा मत वेस्ट करो। फिर बता रहा हूँ, आप चाहे तो मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बाकी आप चाहते हैं कि अच्छी क्वालिटी मिले, पीछे ब्लर इफेक्ट मिले और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको वीडियो चाहिए और आपका बजट भी 30,000 के अंदर अंदर का है, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप निकॉन का निकॉन का आप 3300D ले लीजिए, आपको काफ़ी अच्छी वीडियो क्वालिटी उसके अंदर मिलेगी। और आप 35mm का लेंस ले लीजिए उसके अंदर, आप निकॉन की बॉडी खरीद लो, 35mm लेंस ले लो, काफ़ी अच्छा मज़ा आ जाएगा आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए। बस थोड़ा सा मैनुअल फोकसिंग की ओर आपको ध्यान देना पड़ेगा, बस मैनुअल फोकस अगर आपको करते आ गया तो आप आराम से हर तरह की वीडियो शूटिंग कर सकते हैं। फोटो शूट करने के लिए भी निकॉन कैमरे को मैं ज़्यादा प्राथमिकता दे रहा हूँ, क्योंकि इंडियन के हिसाब से, इंडियन कलर रेंज के हिसाब से निकॉन कैमरे ज़्यादा बेस्ट है, वेडिंग शूट के हिसाब से निकॉन कैमरा ज़्यादा बेस्ट है, तो मैं निकॉन की कैमरे के लिए, फोटो शूट के लिए निकॉन कैमरे की शॉट ज़्यादा जाऊँगा। मैं कैनन की बुराई नहीं करता हूँ, कैनन के भी बहुत अच्छे कैमरे हैं, बाकी कैनन कैमरे जहाँ तक देखो तो आप US वगैरह अदर कंट्री में यूज़ होते हैं, क्योंकि उनके एटमॉस्फेयर के हिसाब से, उनके फेस कलर के हिसाब से वो कैमरा, उसका सेंसर सेट है, तो यहाँ पे आपको कैनन ज़्यादा नहीं मिलेगा, आपको निकॉन ही ज़्यादा मिलेगा। बाकी आपकी पसंद, आप जो चाहो वो कैमरा परचेस कर सकते हैं। मैं किसी भी कंपनी की तारीफ़ नहीं करता हूँ, किसी का मैंने कुछ प्रोमो नहीं ले रखा है कि मेरे को इसकी बुराई करना है या इसकी तारीफ़ करना है, मेरे को जो लगा मैंने आपको बता दिया, बाकी आपका डिसीज़न है, आप ले सकते हैं। तो बस मुझे इतना ही बताना था इस वीडियो के अंदर कि आप यूट्यूब पर अपना करियर शुरू कर रहे हैं तो ज़्यादा पैसा प्लीज़ वेस्ट मत करो, कोई मतलब नहीं। हाँ, इससे कमाने के बाद आप 1,00,000 रुपये का कैमरा भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप खुद की पूंजी लगा के अगर आप अपना वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, अपना चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं, आपको भी मैनुअल फोकस वाला कैमरा ले लो। सभी कैमरे ऑटो फोकस करेंगे, लेंस ऑटो फोकस आप लगा दोगे तो सभी कैमरे करेंगे। बाकी वीडियो शूट करने के लिए जो अभी डुअल पिक्सल ऑटो फोकस का जो सपोर्ट दे रहा है कैनन वाला, काफ़ी अच्छी चीज़ है वो, काफ़ी मज़ा आएगा आपको वीडियो शूट करने में। बाकी फिर रेंज भी बढ़ जाती है, 40-45 हज़ार चल जाता है, तो कोई मतलब नहीं था पैसा लगाने के लिए, 25-30 हज़ार में आप दूसरा कोई कैमरा ले लो और मैनुअल फोकस करके आप एक एरिया सेट कर लो। बताऊँगा, आप नेक्स्ट वीडियो देखना मेरा, आपके अंदर बताऊँगा कैसे एरिया सेट करना है, आराम से आप वीडियो शूट कर सकते हैं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आएगी, 10 मिनट लगते हैं सेटिंग करने के लिए, आराम से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो संबंधित कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने सवाल छोड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जो कैमरा लेना चाहते हैं और उनका बजट कम है, तो इन टाइप के कैमरा आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी कैमरा लेने में, बढ़िया अच्छे कैमरा आपको मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छी। मैंने आपको मॉडल बता दिए हैं, 2-4 मॉडल मैंने आपको बताए, 3300 आप ले सकते हो, 3400 ले सकते हो निकॉन में, कैनन में अगर लेना है तो 200D बता ही दिया मैंने आपको, या फिर अगर आपको डुअल पिक्सल नहीं चाहिए तो फिर आप 1300D भी ले सकते हो, पर 1300D के अंदर आपको माइक का प्रॉब्लम आएगा, मैं फिर बता देता हूँ, तो वो लेना ही मत आप, ठीक है। तो अब आप खुद चलाइए, शोरूम पे जाइए, चेक करिए, आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। अगर आप शोरूम पे जाते हैं आपको फिर भी समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में आप डाल देना, मैं आपको उसके बारे में पूरी बता दूंगा कि वो कैमरा आपके लायक है भी कि नहीं, लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसी टाइप से बहुत सारी वीडियो मैं बना के देता रहता हूँ, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।